नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट पॉडकास्ट चैनल नॉलेज हब में। इस यूट्यूब चैनल में आज से मैं आपको कुछ इंग्लिश ग्रामर्स के लेसन दूंगा। शुरू करते हैं। जैसे आज का फर्स्ट लेसन है नाउंस। नाउंस क्या होते हैं? नाउंस के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ। जैसे इंग्लिश में ज़्यादातर क्या होता है, नाउंस, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो इसी सीरीज में सबसे पहले हम नाउन की चर्चा करते हैं। नाउन क्या है? नाउन इज़ अ वर्ड यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग और इवन एन आइडिया। अगर कोई व्यक्ति है, कोई जगह है, कोई वस्तु है या कोई विचार है, उन सबको हम नाउन की संज्ञा दे सकते हैं। नाउन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स यू यूज व्हेन स्पीकिंग एंड राइटिंग। अ नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, अ क्वालिटी, आइडिया और इवन एन एक्शन। वी कैन क्लासीफाई अ नाउन, यू नो, ग्रुप्स इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कंक्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन्स। और फॉलोइंग चैप्टर्स में हम चार्ट्स में क्लासिफिकेशन के द्वारा हम आपको बताने वाले। कई सारे एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि कोई एक क्वेश्चन दे देगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, वन मार्क का इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, वो उसमें चार ऑप्शन दे देगा, एक सेंटेंस दे देगा, वो बोलेगा बताइए इसमें कौन सा, ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, या फिर कौन सा नाउन है बताइए। तो इस तरीके से हम यूज में कर सकते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ नाउन्स, फर्स्ट प्रॉपर नाउन, लाइक इसमें एक आप जैसे फिगर में देख रहे, एक सुसान नाम की एक लड़की का फिगर बना हुआ है, वो प्रॉपर नाउन है। एक व्यक्तिगत की, एक व्यक्ति विशेष की पर्सनालिटी है, तो वो प्रॉपर है, उसमें कुछ इम्प्रॉपर नहीं होने वाला, एकदम प्रॉपर है। लाइक प्रॉपर नाउन्स लेबल स्पेसिफिक पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स, द फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। और प्रॉपर नाउन में जो फर्स्ट लेटर जब लिखते हैं, पहला लेटर वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे आप अपना नाम लिख दें राहुल, आर कैपिटल में होगा, अमन ए कैपिटल में होगा। तो इस तरीके के जो ज़्यादातर नाम होते हैं व्यक्तियों के, ये प्रॉपर नाउन में आते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है, स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं, जो प्लेसेस हैं, प्लेसेस जो नॉर्मली कॉमन होती, हाउसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्काई क्रैपर्स हैं, उनको हम कॉमन नाउन की संज्ञा देते हैं। कॉमन नाउन्स लेबल जनरल ग्रुप्स, प्लेसेस, पीपल और थिंग, है ना। वो जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, स्कूल है, इसको कॉमन नाउन, क्योंकि वो बहुत कॉमन है, हर जगह पाया जाता है, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, है ना। देन फर्दर कंक्रीट, कंक्रीट नाउन्स लेबल थिंग्स एक्सपीरियंस थ्रू सेंसेस ऑफ साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल और टच। जिन चीज़ों को हम स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, अपने सेंसेस से सुन सकते हैं, आँख से देख सकते हैं, जो सेंसेस से जिनको हम महसूस कर सकते हैं, उनको कंक्रीट नाउन कहते हैं। जैसे हमबर्गर है, उसको हम छू सकते हैं, है ना, हम स्मेल को सूंघ सकते हैं, हैं, हम रोज़ को सूंघ सकते हैं, स्मेल हो गई, ये कंक्रीट नाउन हो गई, है ना। टेस्ट हो गया, हनी हो गया, दीज आर कंक्रीट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आगे बढ़ते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन लेबल्स थिंग्स नॉट नोएबल थ्रू सेंसेस। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम अपने सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते, उनको देख नहीं सकते, उनको सुन नहीं सकते, उनको टच नहीं कर सकते। लाइक लव, किसी ने बोल दिया आई एम इन लव, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। पेन, उसको पेन को कोई छू सकता है? नहीं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, है ना। ही सैड, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन आते हैं। कलेक्टिव नाउन्स लेबल ग्रुप्स और यूनिट्स। कोई ग्रुप है, यूनिट्स है, वो जो कलेक्टिव फॉर्म में है, एक साथ है बहुत सारे लोग, कलेक्टिव फॉर्म कहते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड इज एज नेम इटसेल्फ सजेस्ट, कंपाउंड इज मिक्सर ऑफ वन और मोर, टू और मोर थिंग्स। लाइक कंपाउंड नाउन्स लेबल एज अ सिंगल कॉन्सेप्ट कंपोज ऑफ टू और मोर वर्ड्स।
नाउन कैन बिलोंग टू मोर और कैन बिलोंग टू मोर मोर देन वन ग्रुप्स. फॉर एग्जांपल एक लोशन दिया हुआ है, इसकी तस्वीर आप दे सकते हैं. सनटैन लोशन इज बोथ ए कॉमन एंड कंक्रीट नाउन एज वेल एज द कंपाउंड नाउन. ये कॉमन नाउन क्यों है? जैसा कि हमने अभी पहले बताया था, कॉमन नाउन जो चीज़ें बहुत कॉमन होती है ना, लाइक स्कूल्स कॉलेजेस, वो सब कॉमन नाउन है. कॉमन एक लोशन लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, ये सब बहुत कॉमन है हम सब के लिए, कॉमन नाउन होगा. कंक्रीट नाउन इसलिए होगा क्योंकि हम उसको तेल को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. और कंपाउंड नाउन इसलिए होगा क्योंकि दो चीज़ों का मिश्रण है ना. और नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं. नाउन्स कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर. व्हेन अ वर्ड रिफर्स टू अ नाउन रिफर्स टू पर्सन और थिंग, इट्स सिंगुलर इन नंबर. व्हेन इट रिफर्स मोर देन वन सेम टाइप ऑफ थिंग्स, इट्स प्लूरल इन नाउन. जैसे सिंगुलर में एक कोई बॉल है तो बॉल इज वन, जब बहुत सारी बॉल है तो ये बॉल्स हो गया, बहुत सारी बॉल्स हो गया. तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दो तरीके के होते हैं. द नंबर ऑफ नाउन इज इंडिकेटेड बाई इट्स एंडिंग. द फाइनल लेटर्स ऑफ नाउन डिटरमाइंड हाउ इट्स प्लूरल और इट्स सिंगुलर. अगर प्लूरल फॉर्म में है तो पॉपुलर ऑफ मोस्ट नाउन्स इज फाउंड बाई एडिंग एस. सिंगुलर नाउन को एस ऐड करके हम प्लूरल बना देते हैं. कुछ और नाउन होते हैं जो एस से, एक्स से, एच, जेड, एस एच, सी एच, इनसे एंड होते हैं, उनमें हम ई एस ऐड करके हम उनको प्लूरल नाउन बना देते हैं. लाइक नाउन एंडिंग विद एफ और एफ ई, जो नाउन एफ और एफ ई से एंड होते हैं, ठीक है, उनको हम एफ ई एफ ई को वी या वी ई एस, एफ को वी में और एफ ई को वी ई एस में चेंज करके हम लाइक वाइफ एंड वाइफ्स, आप फिगर में देख सकते हैं. इनको ये सिंगुलर नाउन है फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ज इज प्लूरल नाउन. और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे नाउन्स एंडिंग इन वाई फॉर्म, देयर प्लूरल बाई चेंजिंग वाई, वाई को आई ई एस में चेंज कर देते हैं. वाई इज चेंज, वाई इज सिंगुलर फॉर्म है लेकिन इसको प्लूरल बनाना है तो वाई को हम आई ई एस में चेंज करते थे. फैमिली मतलब एक परिवार, फैमिलीज मतलब बहुत सारे परिवार. अगर फैमिली को फैमिलीज बनाना तो वाई को ऑटोमेटिकली, ये बाई रूल है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, वाई को आई ई एस में चेंज हो जाता है. कुछ लोग कहेंगे वाई में सिर्फ ई एस करके क्यों नहीं हम कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि रूल है, वर्ल्ड फॉर्मेशन का रूल है, उसमें वर्ल्ड्स का कॉम्बिनेशन चेंज करने से उसका मीनिंग बदल जाएगा. तो नेक्स्ट चलते हैं. हैव अ क्लोजर लुक एट द नाउन एंडिंग कॉमन नाउन सफिक्सेस. मेन पार्ट ऑफ द वर्ड इज अ रूट. जो वर्ड का मुख्य भाग होता है वो रूट वर्ड कहलाता है, और उसमें जो कुछ हम एंड में ऐड करते जाते हैं वो सफिक्सेस होते हैं, और अगर पहले कुछ उसके शब्द के पहले ऐड कर दें तो प्रीफिक्सेस हो जाते हैं. लाइक स्विम, स्विम एक रूट वर्ड है, अगर उसमें ईआर जोड़ दें स्विमर हो जाता है, वो सफिक्स हो जाता है ना. तो इस तरीके से परफॉर्म एक रूट वर्ड हो गया, लेकिन अगर हम उसमें ए एन सी ही जोड़ दें तो परफॉर्मेंस हो गया, ठीक है ना. तो इस तरीके से कॉमन नाउन्स हैं, इनको हम सफिक्सेस बना सकते हैं जोड़ के. हैप्पी हो गया, हैप्पी रूट वर्ड हो गया, नेस जोड़ दें तो हैप्पीनेस हो जाता है. जैसे इसमें एच ए डबल पी वाई हैप्पी होती स्पेलिंग, लेकिन अगर उसमें वाई की जगह उसको हम एन ई डबल एस करते हैं, वाई को हटा के उसमें आई करना पड़ता है, देन वाई टेक्स प्लेस, वाई इन प्लेस वाई की जगह आई कर देते, बिकॉज ऑफ स्पेलिंग रूल्स, स्पेलिंग रूल्स की वजह से होता है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते. आई टी वाई, एडिंग आई टी वाई इंडिकेट्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट इज अब्स्ट्रैक्ट. जैसे हम उसने उसमें लव साइन बना हुआ था, उसको हमने बोला था वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना. लाइक हम पीछे थोड़ा सा जाएंगे, हम देखेंगे ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनको हम सेंसेस के थ्रू नहीं जान सकते है ना, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था. तो रिकॉग्नाइज ये सफिक्सेस में पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल एक रूट वर्ड है, उसमें उसको अगर हम पॉसिबिलिटी कर दें तो ई इज़ ड्रॉप्ड और उसमें आई टी हो जाता है ये जगह.
बायोलॉजिकल नेचर, मैस्कुलिन फेमाइन न्यूट्रल नाउन्स होते हैं, जैसे मेल हो गया, पुरुष हो गया, हैं मैस्कुलिन हो गया, स्त्री हो गया, फेमिनाइन हो गया और न्यूट्रल हो गया, अगर कोई उसका लिंग नहीं है तो वो मैस्कुलिन तो वो न्यूट्रल हो गया। लाइक इस फिगर में आप देख सकते हैं मैस्कुलिन नाउन्स, नाउन्स दैट रिफर टू अ मेल पीपल और एनिमल्स आर मैस्कुलिन नाउन। लाइक फॉर एग्जांपल मिस्टर मिलर, मैन, फादर, एक्टर, बुल, ये सब मैस्कुलिन नाउन हो गए। फीमेल जैसे इसमें दिया हुआ मिसेस मिलर, वुमेन, मदर, एक्ट्रेस, काउ, ये सब न्यूट्रल नाउन। नाउन दैट डिनोट थिंग्स ऑफ ईदर जेंडर आर न्यूट्रल नाउन्स, लाइक लॉकर, बॉल, टॉवेल, लोशन, हाउस, स्कूल, कॉलेज, ये सब न्यूट्रल नाउन है। नाउन्स ऑफन कम इन द कंपनी ऑफ अदर वर्ड्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट ऑल दिस वर्ड्स सिंस दे सिग्नल दैट अ नाउन फॉलोज एंड दिस कुड असिस्ट यू इन आइडेंटिफाइंग नाउन्स मोर इजली। नाउन्स अकेले नहीं होते, नाउन्स के साथ नाउन कुछ वर्ड्स के साथ होते हैं, जैसे उनमें से सबसे खास होते हैं आर्टिकल्स, जैसे फिनिट आर्टिकल्स, इनफिनिट आर्टिकल्स, है ना, ए एंड एन आर्टिकल्स जो होते हैं, है ना, इन सब की हम बात करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल, ए एंड एन कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि ए और एन द, इसमें कौन सा इनडेफिनिट आर्टिकल है, कौन सा डेफिनेट आर्टिकल है, तो द इज़ ऑलवेज अ डेफिनेट आर्टिकल। तो ये सब आर्टिकल्स कई बार नाउन्स को कंपनी करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया हुआ है यहाँ पे, डेफिनेट आर्टिकल ए और एन यूज्ड बिफोर अ नाउन स्टार्टिंग विद ए वॉवल, जो वॉवल से शुरू होते हैं, है ना, वो इनडेफिनेट आर्टिकल उनके साथ यूज़ किया जाता है। जैसे ए इज़ अ बॉय एंड देर इज़ नो इनडेफिनेट आर्टिकल यूज एज द, यू नो, प्लूरल विद एग्जाम्पल नाउन। डेफिनेट नाउन द, द इज़ यूज बिफोर अ सिग्नल नाउन व्हेन नाउन इज पर्टिकुलर और स्पेसिफिक। द तब यूज किया जाता है जब वो सिंगुलर हो और किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बता रहा हो, है ना। तो ए इज़ यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट एंड एन इज़ यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग इन वॉवल। वॉवल क्या होता है, ए आई ओ यू, ये पांच होते हैं, A-E-I-O-U पांच वॉवल होते हैं, बाकी इसके अलावा ए टू जेड जो भी होते हैं ए आई ओ यू के अलावा वो सब कंसोनेंट होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कंसोनेंट्स क्या है और वॉवल क्या है। ए ई आई ओ यू ये पांच वॉवल है, रेस्ट कंसोनेंट है। नाउन स्टार्टिंग विद अ कंसोनेंट एंड नाउन स्टार्टिंग विद अ वॉवल, फॉर एग्जाम्पल अ बीच टॉवल, ये देखिए बी अ बीच, ये शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट से। एन एयर मैट्रस, इसमें ए आ ए आई ए ई आई ओ यू आ रहा है ना, ये देखो ये ए, तो ये एन इसमें लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि यूजेज ऑफ इंग्लिश नाउन्स, इंग्लिश नाउन्स की यूजेज क्या हैं, व्हाट जॉब्स कैन नाउन डू, नाउन काम क्या करते हैं यार। आगे बहुत बहुत नाउन 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 पढ़ लिया, प्रॉपर नाउन पढ़ लिया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ लिया, कंक्रीट नाउन पढ़ लिया, हैं बहुत सारे नाउन पढ़ लिए, लेकिन वो नाउन करते क्या हैं भैया, वो तो बताओ। चलो वही पढ़ते हैं क्या करते हैं। नाउन्स हैव जॉब्स टू डू, व्हेन यू एक्सप्रेस अ थॉट और आइडिया इन अ सेंटेंस यू प्लेस वर्ड्स इनटू व्हाट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। नाउन्स आर असाइन डिफरेंट रोल्स और जॉब्स to do when they are used in sentence. Here is an example to illustrate use in and context. जब हम सेंटेंस बनाते हैं या कोई कुछ भी कहते हैं किसी से, तो नाउन बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। आप इन फिगर्स में, इन अट्रैक्टिव फिगर्स में आप देख सकते हैं द कॉन्टेक्स्ट फॉर ऑल दीज थिंग्स इज देयर यूज इन द वाटर। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वाटर में यूज़ कर सकती हैं इस फिगर के अनुसार, ये गॉगल्स है और ये बैग है। तो व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस पिक्चर, इस पिक्चर में रॉन्ग क्या है। आगे बढ़ते हैं, इफ़ मारिया वांट्स टू वियर हर
her bathing cloth, bathing suit. She needs a pool, a lake, or a sea to put it to use. Here in the desert, she is in the wrong environment to wear bathing suit. It's not the right context. मारिया है राजस्थान में, लेकिन वो अपने साथ बैथिंग सूट ले गई है, गॉगल्स ले गई है, तैरने वाले सब सामान ले गई है, तो क्या वो वहाँ पहन के घूम सकती है? बिल्कुल नहीं घूम सकती, क्योंकि वो उसका जॉब भी नहीं है. सिमिलरली इसी तरीके से वर्ड्स हैव जॉब टू डू फॉर विच दे आर सूटेड. व्हेन यू पुट ए सेंटेंस टुगेदर दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, यू गिव ईच पार्ट द राइट जॉब टू डू. सेंटेंस में हर किसी का एक जॉब होता है. When nouns become subject, nouns को हम subject की तरह भी use कर सकते हैं. A noun that names person, thing about which a statement is to be made is labeled as subject. Nouns एक subject के तौर पे, जैसे Maria, यहाँ Maria noun भी है और Maria एक noun subject के तौर पर भी use हो रही है, ठीक है. Verb इसमें क्या है, verb क्या है, नाउन सब्जेक्ट और वर्ब. मारिया नाउन भी है, मारिया सब्जेक्ट भी है. वर्ब क्या है, स्विम. ए टाइप ऑफ नाउन कैन बिकम अ सब्जेक्ट. नाउन को एक सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, पहले हमने पढ़ा था कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन स्पेसिफिकली किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और कॉमन नाउन जो बहुत कॉमन होता है ना. जैसे मिस्टर एंड मिसेस मिलर बहुत कॉमन, बहुत प्रॉपर है. मिस्टर एंड मिसेस मिलर, किसी सोसाइटी में मिस्टर एंड मिसेस मिलर एक ही होंगे, और एक जैसा तो एक ही होंगे. अगर दो भी होंगे तो उनमें भी डिफरेंशिएशन होगा, और वो कॉमन नहीं होंगे. जैसे मैन है, मैन आदमी तो बहुत सारे कॉमन है. स्विमर बहुत सारे स्विमर है. गर्ल्स बहुत सारे गर्ल्स हैं, ये कॉमन हो गया. गर्ल्स तो बहुत सारी होती, कॉमन हो गया. बेन, बेन तो एक ही होगा, मारिया भी एक ही होगी. तो ये प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन, दोनों एज अ सब्जेक्ट भी यूज हो सकते हैं, है ना. टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूज अ क्वेश्चन वर्ड. व्हेन द सब्जेक्ट इज अ पर्सन यूज द क्वेश्चन वर्ड हु. फॉर एग्जांपल द सेंटेंस बेन स्विम्स, आस्क हु स्विम्स, द आंसर इज बेन. अगर नाउन को आपको पता लगाना कि नाउन एक सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है कि नहीं, तो उससे हु के द्वारा क्वेश्चन पूछे, आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, है ना. सेंटेंस मस्ट हैव बोथ सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, एंड इट मस्ट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट. सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, एक लिंकिंग वर्ड होगा, और ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए जो थॉट को एक्सप्रेस करे. सिंपल एंड कंपाउंड, कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो सकते हैं. सब्जेक्ट में हर टू और मोर नाउन्स यूज एज ए सब्जेक्ट एंड टू और मोर वर्ब्स. जैसे इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, कंप्लीट सेंटेंस है. बेन स्विम्स, स्विम्स सिंपल सब्जेक्ट है, बेन स्विम्स एक वर्ब है, है ना. व्हेन सब्जेक्ट हैज टू और मोर नाउन, एक या दो से ज़्यादा नाउन भी हो सकते हैं किसी सेंटेंस में. एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, हमबर्गर्स एंड हॉट डॉग्स आर पॉपुलर. हमबर्गर भी एक नाउन है, हॉट डॉग्स भी एक नाउन है. दोनों को मिला दिया जाए तो एक कंपाउंड नाउन बन जाता है, जिसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट भी कहते हैं. इसकी चर्चा हमने कई की थी कंपाउंड नाउन में, ठीक है. व्हेन वन नाउन इज़ नॉट इनफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, जब एक नाउन से काम नहीं चलता है तो उसको दूसरा नाउन उसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज़ होता है. जैसे हमबर्गर इज द विनर, हमबर्गर एक सब्जेक्ट हो गया, नाउन भी है, विनर ये भी एक सब्जेक्ट हो गया, और ये नाउन भी हो गया. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब्स और रिनेम्स द ऑब्जेक्ट. जैसे विनर यह हुआ है, ये एज ए नाउन भी यूज हुआ है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, क्योंकि अगर इसको हटा देते तो सब्जेक्ट सेंटेंस आपका पूरा ही नहीं होता है. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स आर प्लेस्ड आफ्टर लिंकिंग वर्ब, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स को हम लिंकिंग वर्ब के बाद ही यूज करते हैं. जैसे इस ऑब्जेक्ट में देखिए आप, मारिया वॉज एन एक्सचेंज स्टूडेंट. मारिया एक सब्जेक्ट हो गया, नाउन भी है मारिया, और सब्जेक्ट है मारिया, एक व्यक्ति विशेष है, प्रॉपर नाउन है, वॉज लिंकिंग वर्ब हो गया. एन एक्सचेंज, एक्सचेंज भी एक नाउन है, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं.
एक्सचेंज की बिल्डिंग होती है ना, कॉमन नाउन। और पॉसेसिव नाउन्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। पॉसेसिव नाउन्स क्या होते हैं? शोइंग रिलेशनशिप और ओनर, किसी चीज़ की ओनरशिप या रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम पॉसेसिव नाउन्स का प्रयोग करते हैं। नाउ यू विल लर्न हाउ टू चेंज द फॉर्म टू अ नाउन टू इंडिकेट क्लोजर रिलेशनशिप टू शो एंड द रिलेशनशिप ओनरशिप ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अपोस्ट्रोफ। ज़्यादातर पॉसेसिव नाउन जिसमें अपोस्ट्रोफ का यूज़ करते हैं वो पॉसेसिव नाउन होते हैं, जैसे पूल्स डाइविंग बोर्ड इस ये पॉसेसिव नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है। इस इतना ही जानो, इसमें पॉसेसिव नाउन जहाँ यूज़ होता है एस अपोस्ट्रोफी यूज होता है, ठीक है, ऑलवेज यूजेज एन अपोस्ट्रोफी, बस। और आगे बढ़ते हैं, बट बी श्योर टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी टू शो ओनरशिप। अपोस्ट्रोफी आर ऑल्सो यूज फॉर कॉन्ट्रैक्शंस विच आर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ सर्टेन वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल इट्स, इट इज़, यू हैव। ये जो अपोस्ट्रोफी यूज होता है हमेशा ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनरशिप के लिए यूज होता है। अपोस्ट्रोफी कई जगह कॉन्ट्रैक्शन वर्ड को छोटा करने के लिए भी यूज होता है, लाइक इट्स, इट इज़ करते हैं तो इट्स हो गया, छोटा हो गया, ज़्यादा स्पेस नहीं लगा। यू हैव बीन, यू की जगह अपोस्ट्रोफ करके वी कर देते, दो शॉर्टन करते, जगह बच गई थोड़ा सा। इस ऐसे कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्ड को छोटा करने के लिए भी यूज होता है अपोस्ट्रोफी का। नाउन एज ए सब्जेक्ट, नाउन एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स पॉसेसिव नाउन। एंड नाउ व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस में नाउन का क्या रोल है? व्हाट इज सेंटेंस? बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड यूनिट्स। यू हैव लर्न दैट नाउन बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू वर्ब एज परफॉर्मर ऑफ द एक्शन। इन सेंटेंस द ऑब्जेक्ट एंड वर्ब नीड ईच अदर इन ऑर्डर टू मेक सेंसेस। लेट्स रिप्लेस द वर्ड सेंटेंस विद द टर्म यूनिट। यूनिट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स दैट विल कॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स। दे मस्ट बी रिप्लेस इन सच ए वे दैट यूनिट इज कम्प्लीट एंड मेक सेंसेस। कोई सेंटेंस कैसे बनता है? एक एग्जाम्पल में बहुत सिंपल सीधा आप समझिए। एग्जाम्पल, जेक स्विम्स। जेक एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि जेक एक ही है ना। जेक सब्जेक्ट नाउन भी है, स्विम एक वर्ब है। जेक द सब्जेक्ट इज ए बिल्डिंग ब्लॉक। द नाउन जेक विल नॉट बी द सब्जेक्ट इफ यू सेपरेट इट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इन ऑर्डर टू लेबल जैक एज अ सब्जेक्ट इज नीड टू परफॉर्म एक्शन। अगर आप चाहते हैं कि जैक एक सब्जेक्ट की तरह काम करे तो आप इसको कोई एक्शन देना पड़ेगा, आपको इससे कोई काम कराना पड़ेगा, लाइक जैक स्विम्स, तभी सेंटेंस पूरा होगा, अदरवाइज सेंटेंस पूरा नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, जैसे अन्नास हुलालूप कैन यू नो, ये पॉजिटिव नाउन है, ये देखो अपोस्ट्रोफी लगाया पॉजिटिव नाउन है। पॉजिटिव नाउन का दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हमने बताया, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेके आप इनको पढ़ सकते हैं। वी नाउ टेक बिग स्टेप बाई लर्निंग वॉट ऑब्जेक्ट्स कैन डू। और अब देखते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं। When verbs expand to include objects, direct objects, तो वो चीज़ ऑब्जेक्ट आती है। लुक एट फॉलोइंग एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम अच्छी तरीके से समझते हैं। बेन लव्स द नाउन। बेन एक सब्जेक्ट भी है और एक प्रॉपर नाउन भी है। नाउन है, नाउन में कौन सा है? प्रॉपर नाउन है लव। लव एक वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब भी है और नाउन भी है। नाउन कौन सा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव्स कर दिया तो वर्ब हो गया, अदरवाइज लव एक रूट वर्ड है जो कि नाउन में आता है, इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम सेंस से महसूस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। पूल ऑब्जेक्ट है, जैसा कि हमने बताया था, ऑब्जेक्ट नाउन। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए वर्ड और द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डायरेक्टली रिसीव एक्शन एक्सप्रेस्ड बाई वर्ब्स। जो डायरेक्ट एक्शन रिसीव करते हैं उनको वर्ब्स के द्वारा, जैसे लिखना, खाना, लव, स्विम, जो काम करना वो वर्ब्स कहलाता है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नीड्स एक्शन वर्ब्स। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं तो हम उसको, उसके लिए एक्शन वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, वेरी, जैसे इसमें सामने दिया हुआ आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। वर्ब ऑब्जेक्ट, एक्शन वर्ब, रिसीविंग ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउन, हु राइट्स अ बुक,
हु एक नाउन है, राइट्स एक्शन वर्ब है, अ बुक रिसीविंग ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही हम बाकी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, एक्शन वर्ब कौन सा है और रिसीविंग ऑब्जेक्ट कौन सा है। बहुत बढ़िया से हमने नाउन्स के बारे में आपको बताया है। ये देखो, जैसे नाउन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, चार्ल्स राइट्स अ बुक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बुक सब्जेक्ट भी हो गया, सब्जेक्ट नाउन सब्जेक्ट हो गया, हमबर्गर, सुजान, लैब, ये सारे आप क्वेश्चन वर्ड्स टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट। कुछ इसमें कुछ हमने एक ट्रिक दी हुई है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सब्जेक्ट को। हु आइडेंटिफाई सब्जेक्ट्स दैट आर पीपल यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड हु। जब जिसको हम हु से क्वेश्चन कर सकते हैं तो सब्जेक्ट होता है। हु लव्स सुसान, हु लव्स सुसान, हु सुसान किसको प्यार करता है ना। तो ये हु जो आंसर मिलेगा वो ही सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वर्ड्स इस तरीके से हैं, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। द ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्ड अबव रिसीव्स एक्शन ऑफ वर्ब डायरेक्टली, इट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दो तरह का ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे, हाँ, अमन स्विम्स इनटू द पूल, पूल वो पूल में तैरता है, पूल एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर पूल के साथ, इस ऑब्जेक्ट के साथ एक प्रीपोजिशन यूज़ कर दें तो वो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, अराउंड द पूल, अराउंड एक प्रीपोजिशन हो गया और पूल ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन हो गया। द जिसे हमने पढ़ा था, आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल, द एक डिफिनिट आर्टिकल है और ए एन एंड इनडिफिनिट आर्टिकल है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस पूरा होता है। अंडर द लाइफ गार्ड चेयर, ये अंडर द लाइफ गार्ड चेयर, ये प्रीपोजिशन के साथ यूज होता है। जैसे दो तरीके के ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा है प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। अ नाउन यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन कॉल्ड इट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब हम जो हमने पढ़ा है उसका एक ओवरव्यू लेते हैं, ओवरव्यू ऑफ यूजेज ऑफ नाउन। कंग्रेचुलेशंस गाइस, यू हैव नाउ लर्न अबाउट द मेनी जॉब्स नाउन कैन डू। नाउन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट when building your understanding of the English language. We conclude this chapter with Venn diagram that summarizes how the noun trophy can be used when performing, you know, when forming sentences. जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं नाउन क्या क्या कर सकते हैं। नाउन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल द ट्रॉफी बिलोंग्स टू बेन। इस सेंटेंस में द ट्रॉफी, ट्रॉफी जेन की है, एक ट्रॉफी इसमें एक सब्जेक्ट का काम कर रही है। इसमें देखें नाउन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, द प्राइज इज़ द ट्रॉफी, ट्रॉफी एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर रही है इसमें ट्रॉफी। नाउन दो यूजेज हो गए नाउन के। नाउन यूज्ड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, जो हमने कहा ना दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद द प्रीपोजिशन। इस एग्जाम्पल में बेन बिल्ड्स अ सेफ फॉर द ट्रॉफी, इसमें एक प्रीपोजिशन के साथ यूज़ हो रहा है ना। नाउन यूज्ड ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बेन लव्स ट्रॉफी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ होता है। नाउन और पोसेसिव नाउन्स के तौर पे भी हम यूज़ होते हैं, जैसे ट्रॉफीज, कप इज़ अ बिग, है ना। तो हमने इस पूरे चैप्टर में देखा नाउन्स क्या होते हैं, नाउन्स पर्सन प्लेस ऑफ थिंग उनके जगह यूज़ होते हैं, कई सारे नाउन्स के टाइप होते हैं जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, बहुत सारे नाउन जो हमने लिस्ट आपको दिया, आप उसमें पढ़ सकते हैं वापस जाके इसको बैक करके। और उसके बाद पोसेसिव नाउन्स, आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल हमने पढ़ा। नाउन्स सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो सकते हैं, नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज हो सकते हैं। उसमें दो तरीके का ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद द प्रीपोजिशन हमने पढ़ा। और पोसेसिव नाउन जैसे अपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रॉफी दो सिर्फ हमेशा
नाउन पॉसिसिव नाउन ही शो करने के लिए नहीं दिखाते हैं, कुछ वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वर्ड को छोटा करने के लिए हम एस का यूज कर सकते हैं, जैसे इट इज़ को इट्स लिख दें। तो इस तरीके से हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा है। जैसे इसमें एक समरी दी हुई, एक क्या क्या हमने पढ़ा, मारिया एक सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ यूज़ होता है, जैसे मारिया स्विम्स, यहाँ मारिया एक सब्जेक्ट है, मारिया एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, द स्टूडेंट इज मारिया, यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, मारिया एज पॉसेसिव नाउन, मारियाज बेथिंग सूट यहाँ पॉसेसिव नाउन के तौर पर यूज़ हो, मारिया एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मारिया एंड आना लव्स मारिया, आना मारिया को प्यार करता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है, मारियाज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन फॉर, फॉर प्रिपोजिशन के साथ यूज़ हो रहा है ना। तो इस नेक्स्ट आप नेक्स्ट जो एपिसोड होगा उसमें हम प्रिपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि नाउन्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, किड्स के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। हाँ, अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, थम्स अप करना आप, कमेंट करना, ताकि मैं इस वीडियो को और बेहतर बना सकूँ। हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।